नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव शर्मा हॉकफिट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री हसीब दराबू की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी और पीडीपी गठबंधन की सरकारें टूटने के कगार पर हैं। वित्त मंत्री हसीब दराबू की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी आलाकमान ने जम्मू कश्मीर में अपने नेताओं को खुद दिल्ली तलब कर लिया है। बता दें कि बीजेपी महासचिव राम माधव के साथ मिलकर हसीब दराबू ने ही बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार की नींव रखी थी। हसीब दराबू ने पिछले हफ्ते अपने एक बयान में साफ साफ कहा कि कश्मीर अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सोशल मुद्दा भी है। मगर पीडीपी हमेशा से ही कश्मीर को राजनीतिक समस्या मानकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही कश्मीर समस्या का जो हल है इसको निकालने की मांग करती आई है। इसीलिए मुख्यमंत्री महबूबा का खुद ये मानना है कि हसीब दराबू का यह बयान पीडीपी की राजनीतिक सोच और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। पिछले साल एक साल में जिस तरह आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर मेजर आदित्य मामले या इसी तरह के अन्य मामलों में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती या पीडीपी के नेताओं के बयान सामने आए हैं, उससे बीजेपी पहले से ही बहुत ज़्यादा आहत थी। अब हसीब दराबू की बर्खास्तगी ने इस आग में घी डालने का भी काम कर दिया है। इसलिए राज्य के जो बीजेपी नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता देते हैं, महबूबा की दोगली राजनीति से काफ़ी समय से मोदी जी भी नाराज थे। बीजेपी आलाकमान अब पीडीपी के साथ गठबंधन में क्या करना है इसको लेकर अपने स्टेट के नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करेगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान की चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अभी से ही जो चुनाव का डर है वो सताने लग गया है। इसलिए अब जो गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के एजेंडे को छोड़कर अपने कोर कट्टर मुद्दे की राजनीति की तरफ आगे बढ़ने लगी हैं। दरअसल महबूबा और अब्दुल्ला ने हमेशा कश्मीर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही नेता कश्मीर समस्या का कोई समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि कश्मीर समस्या सुलझ गई तो जो इनकी राजनीतिक दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। अब जबकि कश्मीर में चुनाव होने को हैं, तो महबूबा ने एक बार फिर से कश्मीर के कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती की बातें शुरू कर दी हैं। मैं आपको बताता हूं कि पीएम मोदी जो कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, यहाँ लागू आर्टिकल 35A को हटाने की पेशकश भी बीजेपी द्वारा ही की गई थी, मगर महबूबा और अब्दुल्ला दोनों ने एक ही सुर में इसका विरोध किया था। उस वक्त महबूबा ने साफ कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 35A के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। महबूबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि अनुच्छेद को खत्म किया जाता है तो कोई भी कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे के शव को हाथ भी नहीं लगाएगा। बीजेपी इस गठबंधन के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, क्योंकि आरएसएस पहले से ही इस गठबंधन से नाखुश था। साफ साफ माना जा रहा है कि ये गठबंधन अब किसी भी वक्त टूटने वाला है। मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, देशद्रोहियों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हॉकफीड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। भारत माता की जय।